अलमकुम आप देख रहे हैं राजा दिल ऑफिशल अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हैं मियाँ चनू आलमी शहरत याफ्ता मरूफ दीन मौलाना तारक जमील साहब के सबजादे मौलाना आसम जमील साहब को गोली लगने से जाम बाग हो गए डी एस पी मियाँ चनू ने तस्दीक कर दी मौलाना आसम जमील को सीने में गोली लगी मौलाना आसम जमील को तश्वीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर वह जाम बार ना हो सके लेकिन ताहम कुछ मीडिया चैनल ये ख़बर चला रहे हैं कि गोली उन्होंने खुद मारी और कुछ मीडिया चैनल्स पर यह चल रहा है कि गोली किस तरह लगी इनको नामूम अफराद ने फरिंग करके जाम बहाग कर दिया ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि गोली ख़ुदकशी थी या उनको कत्ल किया गया है तो इस मजीद आपको बताते चलें कि तारक जमील साहब इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की अचानक मौत हुई है और इस साथी मौत पर हमें हम गहरे गम में हैं और अल्लाह पाक मेरे बेटे को दर्जात बुलंद करें और देखने वालों से इतमाश भी है कि आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर आपको बताते चलें आलमी शरत याफ्ता आलम दीन मौलाना तारक जमील साहब का सबजादा गोली लगने से जाम बा हो चुके हैं